गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी सेकंड सेमेस्टर। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिनेप्स और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन इसके कुछ पार्ट अभी शेष रह गए थे, इसके लिए दूसरा वीडियो लेके हम हाजिर हैं। तो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन द रेस्ट डिस्कस पोर्शन ऑफ द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। एज यू नो दैट दिस फिगर दिस इज द फोकस ऑन द स्क्रीन ऑफ वीडियो। एज यू लुक हियर दैट द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर कंटेन स्पेशल मॉलिकुलर साइट्स कॉल्ड कीमोरिसेप्टर्स। अब आप कहेंगे कि जब ये मैसेज जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको रिसीव करने के लिए कुछ कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो उस केमिकल मैसेजेस को रिसीव करते हैं। तो वो जो केमिकल मैसेजेस को रिसीव करने वाले कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो जो है कि दूसरे बाद के जो है पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स में या न्यूरॉन्स के जो है कि मॉलिकुलर साइट में पाए जाते हैं। तो वो फिगर में दिखाया गया है, जैसा कि इस फिगर में ये वेसिकल्स, यहाँ जैसे यहाँ वेसिकल्स है वैसे यहाँ भी वेसिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये रिसीव करते हैं। आगे देखिएगा इस पोर्शन में, द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर कंटेन सेवरल मॉलिकुलर साइट्स कॉल्ड कीमोरिसेप्टर्स। तो बहुत से कीमोरिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर जो रिसीव करते हैं। द ट्रांसमिशन आर ब्रॉट अबाउट आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और केमिकल और बाय बोथ प्रोसेस। अब कोई जो मैसेज यहाँ से यहाँ पे कन्वे होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ये मैसेज दो तरह के होते हैं। दो तरह के मैसेज यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो या तो इलेक्ट्रिकल मैसेज होंगे या तो केमिकल मैसेज हो सकते हैं, या तो साथ साथ में दोनों होंगे, या तो केमिकल मैसेज और केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों मैसेजेस हो सकते हैं एक साथ, या नहीं तो अलग अलग दोनों हो सकते हैं। यानी मैसेजेस जो यहाँ से यहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो रहे हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के प्रोसेस के थ्रू, इसमें दो तरह के मैसेजेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, या तो दोनों होते हैं। अब इस फिगर को यहाँ पर देखेंगे, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एग्जाम पोर्शन है, ये इसका हेड रीजन है, यानी कि सेल इसका डेंड्राइट्स वाला पोर्शन है, ये साइटान यानी न्यूक्लियस वाला पोर्शन है ये। और यहाँ पे देखिए एक दूसरा न्यूरॉन जो इसके जो है कि वेरियस पार्ट से अटैच हो रहा है, तो डेंड्राइट्स हैं इंड फीट, यानी किसी दूसरे न्यूरॉन का जो इंड पोर्शन है, इंड टर्मिनल पॉइंट है, वो देखिए ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह से ये ब्रांचिंग प्रोसेस बना रहे हैं और इसके हेड रीजन से डेंड्राइटिक रीजन से इस तरह से जुड़े होते हैं, जैसे एक उंगली में दूसरी उंगली इस तरह से अटैच होती है। तो ये जो है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के न्यूरॉन का एंड दूसरे न्यूरॉन के हेड रीजन से इस तरह से अटैच होता है। तो इस तरह से ये सिनेप्स बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर यहाँ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे है, यहाँ एक तरह से ये भी वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखाया गया। ये सारे फिगर एग्ज़ाम में बनाना जरूरी है कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन आ रहा है, इसमें ये जो कई फिगर दिखाया गया है ये सब फिगर को आप दिखाएंगे, एक ये भी फिगर, ये फिगर भी आप दिखाएंगे बनाएंगे, और साथ साथ इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। इसके बाद हम आपके सामने ले चलते हैं कि वास्तव में बारीकी से अगर देखा जाए तो सिनेप्स में या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान क्या होता है। इस फिगर में देखिए केमिकली क्या प्रोसीजर यहाँ पे काम करता है, वो आपके सामने हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इन दिस फिगर। इस फिगर आपके सामने है, ये जिसके पहले जो हमने आयनिक एंड रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल को डिस्क्राइब किया है, वही चीज़ें यहाँ पे भी आपके वही मेथड वही प्रोसीजर सामने आएंगी जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं।
बेसिक कंसेप्ट वही होगा, लेकिन आप फिगर थोड़ा चेंज होगा देखेंगे। ट्रांसमिशन आकर्स दीज मेकेनिज़म। अब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में जो मेकेनिज़म काम करता है, वो तीन चार स्टेप्स हैं इस मेकेनिज़म के, जो स्टेप बाय स्टेप जो है कि होते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, नर्व एक्शन पोटेंशियल। आप जानते हैं एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि जब इम्पल्सेज प्रोपेगेट करते हैं, जब मैसेजेस इनिशिएट होते हैं, यानी एक कोई जो मैसेज है, इम्पल्स है, वो न्यूरॉन नर्व के थ्रू आगे बढ़ना शुरू होता है, यानी आगे ट्रांसमिट होना शुरू होता है, आगे की ओर आगे बढ़ता जाता है, तो वो एक्शन पोटेंशियल माना जाता है। और रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि जब तक कोई मैसेजेज यानी स्टिमुलस नहीं मिलता, तब तक कोई मैसेज नहीं मिलता तो वहाँ पे कोई हरकत नहीं होती और वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है। तो एक्शन पोटेंशियल के दौरान यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है कि स्टेप है, तो इसको शॉर्ट में NAP बोलते हैं। नर्व एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द प्रीसिनेप्टिक एक्सोनल टर्मिनल, यानी कि जब ये इम्पल्स आगे बढ़ते हैं तो इसके यानी ये प्रीसिनेप्टिक नर्व है, न्यूरॉन है, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो ये प्री है, तो यहाँ पर जब ये मैसेजेस यानी कि नर्व एक्शन पोटेंशियल जब आगे बढ़ता है, कहाँ पे पहुँचता है, प्री सिनेप्टिक एक्सोनल टर्मिनल के पास जब पहुँचता है, फिर वहीं से एक सीरीज़ बनाता है, एक चैनल बनाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। देखिए तो नैप अराइव्स एट द प्री सिनेप्टिक एक्सोनल टर्मिनल वेयर इट इंडिकेट्स ए सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। जो ही मैसेज आगे बढ़ना शुरू होता है, प्रोपगेट होता है, इनिशिएट होता है, वहाँ से कुछ न कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं, परिवर्तन शुरू हो जाता है, कहाँ पर, न्यूरॉन के अंदर। तो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स विच काज आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी ट्रांसमिशन आकर्स द सिनेप्स, यानी ये सिनेप्स बना हुआ है, दो न्यूरॉन आपस में जब मिलते हैं तो ये सिनेप्स पोजीशन है। ये सिनेप्स पोजीशन जब कोई मैसेज इम्पल्स जब आगे बढ़ता है तो उस समय जो है दो तरह के एक्शन सामने आते हैं, यानी या तो वो एक्साइट होगा, यानी कि एक्साइट होगा तो मैसेज आगे बढ़ेंगे, या हो ये भी हो सकता है कि मैसेज आगे ना भी बढ़े। तो ये दिया एक्साइटेटरी, यानी एक्साइट हो रहा है, यानी कि ये एक्साइट होगा तो डिपोलराइजेशन शुरू होगा, और इनहिबिटरी ट्रांसमिशन हो सकता है कि मैसेजेस आगे ना बढ़ रहे हों तो इनहिबिटरी ट्रांसमिशन भी होगा, यानी वो रेस्टिंग पोटेंशियल में ही हो रहेगा, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल का पिछले वीडियो हमने दिखाया था कि एक थोड़ा सा एक टाइमिंग होती है, उतनी देर तक अलग अलग एनिमल्स में रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, और रेस्टिंग पोटेंशियल जब तक रहेगा तब तक कोई मैसेज दिए भी जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी ट्रांसमिशन जो है कि सिनेप्स में होने लगता है, शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये मैसेजेस आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है, अगर इनहिबिट हो गया तो कोई बात नहीं, मैसेज आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर एक्साइट हो गया, एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो क्या परिवर्तन होगा, क्या इवेंट्स होगा आगे, देखिए न्यूरॉन्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट पर, डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आकर्स। तो ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी जो सबसे पहले वाला जो न्यूरॉन है, इसका जो मेम्ब्रेन है चारों तरफ का कवरिंग है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। डीपोलराइजेशन मतलब कि जो बाहर का जो आयनिक पोजीशन था, अंदर का आयनिक पोजीशन, वो जो है कि एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी आपको हमने बताया था कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल में कोई नर्व होता है तो उसके बाहर जो एक प्लस चार्ज होता है, अंदर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए तीन प्लस चार्ज दिखाया गया है, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल में। लेकिन जब मैसेजेस आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यानी ये देखिए मैसेज आगे जा रहे हैं, तो मैसेज अगर बढ़ना शुरू होते हैं तो ये डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइजेशन मतलब कि बाहर का जो प्लस चार्ज था वो अंदर आ गया, अंदर का माइनस चार्ज बाहर चला गया, यानी सोडियम पंप अंदर की ओर काम कर गया और पोटेशियम पंप बाहर की ओर काम कर गया, यानी इसे सोडियम पोटेशियम पंप के हेल्प से ये जो है कि डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। किसमें? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट पर देखिए, स्टेप है, स्मॉल नंबर ऑफ वेसिकल्स आर इम्पटाइड इनटू द क्लिफ्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डीपोलराइजेशन। क्योंकि जब डीपोलराइजेशन होता है तो यहाँ जो मैसेजेस हैं, देखिए मैसेजेस जा रही
क्योंकि वेस्किल्स में थे। इसके पहले वाले फिगर में आपने देखा था कि ये वेस्किल्स में मैसेज है, सिनेप्टिक वेस्किल्स है, इसमें मैसेजेस से ये मैसेज आगे बढ़ते हैं। तो जो आगे बढ़ेंगे तो ये मैसेज वेस्किल्स के अंदर थे, केमिकल मैसेज। तो इस फिगर में देखिए, ये जो है कि मैसेजेस जो है कि वेस्किल्स जो है कि मैसेज को लेकर के, यानी स्टील कोलिन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप, यानी एक वेस्किल, ये वेस्किल्स आगे बढ़ते जा रहा है। जब यहाँ पहुँचता है टर्मिनल पोर्शन पे, तो ये वेस्किल फूट जाता है, यानी बर्स्ट कर जाता है। तो इस जो इसके अंदर जो केमिकल मैसेज है, यानी केमिकल है, एसिटिल कोलिन है, वो क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ये जो गटर में, सिनेप्टिक गटर के अंदर, यानी ये जो सिनेप्टिक क्लिफ्ट है, जो गैपिंग है, यहाँ पर ये फैल जाता है पूरी तरह से। ये देखिए, सारे वेस्किल्स के अंदर जो केमिकल मैसेजेस है वो फैल गए हैं, यानी एसिटिल कोलिन फैल चुके हैं। तो नेक्स्ट पोजिशन में देखेंगे, यानी कि अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये रेस्टिंग पोजिशन था, उसके बाद ये एक्शन पोटेंशियल हो गया, रीपोलराइज, क्योंकि मैसेज आगे बढ़ेंगे तो रीपोलराइज होगा, और यहाँ से यहाँ तक मैसेजेस यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो डीपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का। उसके बाद अभी ये पहले वाली कंडीशन मौजूद है, तो ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन दिखा रहा है। ये सिनेप्टिक वेस्किल इन प्री सिनेप्टिक इंड बल्ब, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये वेस्किल बनाए हुए हैं। और यहाँ देखिए, न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स इन डेंड्राइट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी ये मैसेजेज जब आगे बढ़ते हैं, तभी हमने बताया कि यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उसे रिसीव कर लेते हैं। ये रिसीव करते हुए दिखाया गया। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में, दीज वेस्किल्स कंटेन ट्रांसमीटर सबस्टेंसेज विच इंटर्न बाइंड विथ केमिकल रिसेप्टर एंड काज एन इमीडिएट चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स डिफरेंट आयंस। अब ये जब वेस्किल्स के अंदर जो केमिकल मैसेजेस हैं, जब इस क्लिफ्टिक सिनेप्टिक गटर में, यानी सिनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, इस गटर के अंदर बीच में जो गैपिंग है, और तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। जब ये उसके पास पहुँचता है तो वो गेन करने लगता है, यानी रिसीव करने लगता है मैसेजेस को। देखिए, एक एक पॉइंट पर ये वेस्किल्स हैं, ये रिसीव करते हुए चले जा रहे हैं प्रत्येक एक एक के अंदर। ये एक एक जो है कि केमिकल मॉलिक्यूल्स को, मैसेजेस को, केमिकल मैसेज को ये रिसीव करते जा रहे हैं। जब रिसीव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो रेस्टिंग पोटेंशियल में चला जाएगा, अब एक्टिवेशन यहाँ हो गया, अब एक्शन पोटेंशियल यहाँ शुरू होता है। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ शुरू होगा तो जाहिर सी बात है रेस्टिंग पोजिशन के दौरान प्लस चार्ज बाहर होता है, माइनस चार्ज नीचे अंदर इनसाइड होता है। तो जब ये एक्टिव पोटेंशियल यानी डिपोलराइजेशन कंडीशन में आएगा तो माइनस चार्ज बाहर और प्लस चार्ज अंदर की हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे एक्टिव एक्शन पोटेंशियल में दिखा रहा है। तो लास्ट जी स्टेज में, जब ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन दौरान नर्व इम्पल्स जब ट्रांसमिट हो जाते हैं दूसरे न्यूरॉन में, तो लास्ट पोजिशन में क्या होता है, देखिए, इट इनिशिएट्स द प्रोपेगेटेड नर्व एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। यानी कि ये जो केमिकल मैसेज हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जब इसे रिसीव कर लेता है तो उसके बाद यहाँ पे जो है कि एक्शन पोटेंशियल, नर्व एक्शन पोटेंशियल प्रोपिगेट हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है, और वो मैसेज को लेकर के आगे बढ़ना शुरू करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, ये वो एक सिनेप्स बनाते हैं, और सिनेप्स के थ्रू किस तरह से मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, इसी प्रोसीजर को, इसी मेथड को सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। तो एज सून एज इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड द ट्रांसमीटर सबस्टेंसेज इज डिस्ट्रॉयड बाय द स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन द रिम ऑफ द सिनेप्टिक गटर। अब यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब ये एसिटिल कोलिन यानी ट्रांसमीटर सबस्टेंस जो मैसेज, केमिकल मैसेज को ले करके, चाहे दुख का वो मैसेज हो, चाहे सुख का हो, चाहे किसी तरह के फीलिंग का मैसेज हो, जो कुछ भी फीलिंग्स हमारे बॉडी में होते हैं, उस मैसेज को ले करके, केमिकल नेचर में मैसेज को लेकर जब आगे बढ़ता है तो ये गटर में ये मैसेज को छोड़ देता है, और उस केमिकल मैसेज को ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं। लेकिन एसिटिल कोलिन जो माध्यम बना हुआ था, जो एक कैरियर था मैसेज को लेके, वेस्किल बना के लेके जा रहा था आगे,
वो इसी गटर में यानी इसी सिनेप्टिक गैप के अंदर जो है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ये। और किसके वजह से वो ख़त्म होता है, वहाँ एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रजेंट होता है, ये जो रिम है यानी इसके किनारे किनारे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इस सिनेप्टिक गटर के बीच में एक एंजाइम स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होता है जो एसिटिल कोलिन को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी जो एसिटिल कोलिन जो माइटोकांड्रिया के हेल्प से बार बार ये यहाँ पे जो है कि बनना शुरू होता है और मैसेज को ट्रांसमिट करने के बाद वही नष्ट हो जाता है और मैसेज जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आगे बढ़ जाता है। इस तरह से फिर कोई दूसरा जब मैसेज जब आता है तो फिर जो एसिटिल कोलिन रिलीज होता है, फिर वो वेसिकल बनाता है, फिर वो केमिकल मैसेज को लेके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की ओर बढ़ता है, फिर यहाँ गटर में यहाँ पे मैसेज को छोड़ देता है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं और एसिटिल कोलिन जो मटेरियल है यानी ट्रांसमीटर सब्सटेंस वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पूरा हो जाता है। लेकिन ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होता है वो किसी न किसी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को पहुंचाता है। तो अब आप देख लीजिए कि ये न्यूरॉन है, ये एक नर्व है, नर्व में जो एग्जाम लगा होता है उसका जो एंड पोर्शन होता है यानी नर्व एंडिंग, ये मैसेज को किसी मसल्स में मैसेज को लेके जा रहा है। मसल एंड आर्गन, कोई आर्गन हो तो मसल्स का ही बना हुआ, कोई भी आर्गन होगा बॉडी का तो उस आर्गन में यानी मसल्स में, उस आर्गन के मसल्स में जो मैसेज पहुंचता है। तो यहाँ पे देखिए ये नर्व जुड़े हुए हैं उस मसल्स, क्योंकि हर मसल्स में नर्व अंदर ही अंदर इनर्वेट होते हैं, तो वो मसल्स का अभी इसके बाद स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है आपको। तो वो सार्कोप्लाज्म के बने होते हैं मसल्स, सार्कोमियर के बने होते हैं, सार्कोप्लाज्म उनके अंदर भरा होता है मसल्स के अंदर। जब मैसेज सार्कोप्लाज्म में आ जाता है, सार्कोप्लाज्म में मसल्स मैसेजेस आ जाते हैं और फिर वो मोटर नर्व के थ्रू, तो अब ये मैसेज जिस तरह का मैसेज होगा उस तरह का वो चाहे हाथ हो, पैर हो, आँख हो, कान हो, नाक हो, कोई भी बॉडी का आर्गन हो, फिर उसी तरह हरकत करने लगता है, उसी तरह से वो अपने कार्य एक्शन करने लगता है। यानी कि नर्व के थ्रू जो है कि मैसेजेस का ट्रांसमिशन होना, सिनेप्स बना करके सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो है कि प्रोसेस आपको हमने डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया, और इसको अगर एक समरी बना दी जाए कि कैसे होता, तो हमने एक समरी के रूप में दिया। देखिए मायो न्यूरल जंक्शन कंटेनिंग नर्व्स एंड मस्कुलर इवेंट्स, यानी कि ये नर्व और मसल्स आपस में जुड़े हुए हैं ये फिगर, और इसमें क्या हो रहा है, दीज स्टेप्स फॉलोड इन द फंक्शंस, इन दिस फंक्शन, इसमें क्या फंक्शन हो, नर्व इम्पल्स आता है, डिपोलराइजेशन ऑफ सोल फूट, जहाँ पे जिस नर्व में न्यूरॉन में होता है तो वहाँ डिपोलराइजेशन शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन, जो अभी हम डिस्क्राइब किया हमने, एसिटिल कोलिन रिलीज होता है। फिर नर्व सिस्टम में कम्बिनेशन ऑफ एसिटिल कोलिन विथ रिसेप्टर्स, ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर से जो है कि कम्बिनेशन बनाता है मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए। एसिटिल कोलिन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, यानी एसिटिल कोलिन प्लस रिसेप्टर आपस में मिल जाते हैं तो एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं, ACH रिसेप्टर कम्प्लेक्स। फिर उसके बाद इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ सार्कोलेमा, और जिस मसल्स में यह मैसेज पहुँच रहा है वह उस मसल्स का जो सार्कोलेमा है यानी सेल मेम्ब्रेन है वो जो है कि उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि परमिएबिलिटी बढ़ेगी तब उसी मैसेज इंटर करेगा। उसके बाद क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा, फिर उसके बाद मसल्स के सार्कोलेमा यानी उसका मेम्ब्रेन है सेल का, मसल सेल का जो मेम्ब्रेन है उसमें डीपोलराइजेशन होता है यानी चेंजिंग आती है, यानी मैसेजेस उसमें आगे बढ़ता है। और उसके बाद अंत में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्राम सार्कोलेमा टू मसल फाइबर, इस तरह से एक इम्पल्स जो है सार्कोलेमा, मसल्स के सार्कोलेमा से मसल फाइबर में यह मैसेजेज पहुंच जाते हैं। जब मसल्स में मैसेज पहुंच जाता है तो मसल्स की वजह से बॉडी एक्शन में है, तो वो जो है कि मसल्स काम करता है, किसी को एक घूंसा मारना है तो मैसेज अगर आ गया तो फिर हाथ उठेगा और उसको जो एक घूंसा दे देगा। इस तरह से दौड़ना है तो दौड़ने लगेगा इंसान, रुकना है तो रुक जाएगा, किसी भी तरह का मैसेजेज, रोना है तो रोने लगेगा, हंसना तो हंसने लगेगा। इस तरह के नर्व के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू कोई भी मैसेज, किसी भी तरह का मैसेज जब ट्रांसमिट होता है तो फिर उसी तरह एनिमल बॉडी में उसी तरह का एक्शन दिखाई देने लगता है। तो ये हमने जो डिस्कस किया ये टॉपिक सिनेप्टिक ट्रांसमिशन
ऐसे नेटवर्क ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से इस थर्ड यूनिट में आपने देखा फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन, हमने इस पर डिस्कस किया, आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल को जो है हमने डिस्क्राइब किया, यह आपने देखा, इस पर भी डिस्कस हुआ, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी जो है डिस्कस किया गया। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड इसके बाद क्योंकि मसल्स की चर्चा हुई है, अभी जिक्र आया है, तो अब जो है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तभी करते हैं जब उसे कोई मैसेज मिलता है, यानी जब मन में कुछ आता है तभी एनिमल मूव करता है, और मूव करता है तो मसल्स के एक्शन से ही। और तो इस तरह से ये जो है कि नर्व कंडक्शन प्लस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो यानी इसी से जुड़ा हुआ ये फंक्शन है, इसी से जुड़ा हुआ ये फिजियोलॉजी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसमें भी जो है पहले तो हम मसल्स की डिफिनीशन देंगे और कॉन्ट्रैक्शन और फिजियोलॉजी इसकी पूरी, और उसके बाद इसका मैकेनिज्म। क्योंकि यहाँ मसल्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन एनिमल बॉडी, तीन तरह के मसल्स होते हैं, लेकिन उसमें एक ही तरह के मसल्स की जो है के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना आपको याद दिया है। स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के बारे में ही आपको पढ़ना, लेकिन हम जिक्र जो है कि करेंगे तीनों के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब लेके चलेंगे स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उस समय हम बेसिक चीज़ें पहले बता देंगे, उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे तरह तैयार कर लीजिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।